जी। अच्छा बच्चों, आप लोगों का CSS MPT 2024 हुआ था, उसका जो बैच वन था उसके सॉल्यूशन इंश्योरेंस आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ना पार्ट्स की सूरत में आप लोगों को इंश्योरेंस मैं प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो हम लोग कोशिश ये करेंगे 91 से लेके 100 तक जो तो क्वेश्चन है ना उनकी वीडियोज आपके साथ इस तरह शेयर करूँ। इसी तरह फिर 101 से 110 तक, फिर 111 से 120, सो ऑन। इस तरह हम लोग इंश्योरेंस को देखेंगे। सबसे पहले 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन आया था, इवेलुएट फोर की पावर 1/2 इंटू फोर की पावर 2 - 4 की पावर 0। ये कहा गया है कि ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शन में नहीं मैं लिख रहा, ऑप्शन आप लोग खुद पेपर देख लीजिएगा, वहां से आपको फिर आइडिया, जस्ट टाइम सेव करने के लिए। तो ये 4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का अंडर रूट। 1/2 क्या होता है? अंडर रूट, स्क्वायर रूट। इंटू 4 की पावर 2 कितना है? 16। माइनस 4 की पावर 0। 4 की पावर 0 1 की इक्वल होगा। किसी भी वेरिएबल या किसी भी इंटीजर की पावर 0 हमेशा 1 की इक्वल होती है। अब 4 का अंडर रूट क्या आएगा? 2। 2 * 16 - 1, तो ये 32 - 1, ये आप लोगों का 31 राइट आंसर है। ये आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन था। 92 नंबर, ये भी इंतहाई आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये जैसे पहला बेसिस और एक्सपोनेंट्स वाला क्वेश्चन है, दूसरा भी इसी कंसेप्ट में आया हुआ था। ये अलजबरा में फॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट इज के गिवन दैट 27 की पावर के इज इक्वल टू 9। कहते हैं इसमें के की वैल्यू क्या होगी। अब के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे अब 27 है और राइट साइड पे इसके इक्वेशन के राइट साइड पे 9 आ रहा है। इन दोनों के बेसिस को अगर हम सेम कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लाइक किस तरह? 27 होता है 3 की पावर 3 और ऊपर के ऑलरेडी पावर में आ रहा है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो हो जाएगा 3 के इज इक्वल टू 9 को हम लिखेंगे 3 के पावर 2। यानी कि 27 और 9 दोनों को मैंने 3 की बेस के साथ लिख लिया। अब दोनों के बेसिस सेम हो गई। अब कंसेप्ट ये होता है कि अगर बेसिस सेम हो जाए तो वो काट जाती हैं और अगर पावर सेम हो जाए तो वो काट जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ x की पावर 5 इज इक्वल टू 32 है, अब x की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब देखिए पावर सेम हो गई है तो पावर काट जाएंगे, x इज इक्वल टू 2, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब बेसिस सेम हो जाए तो बेसिस कट गए, हमारे पास आंसर आ गया 3 के इज इक्वल टू 2। अब हमें तो के की वैल्यू चाहिए, तो के इज इक्वल टू 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2/3। होप सो सबको समझ आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 93 की तरफ चलते हैं। 93 क्या कहते हैं उसको देखते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ, हमारा जो न्यू सेशन है ये इंशाल्लाह दिसंबर 1 से स्टार्ट है, परसों से। अगर कोई स्टूडेंट इस क्लासेस अगर लेना चाहे तो वो ले सकता है। ये हमारा एक्चुअल में 4 वीक्स का सेशन होता है, 4 वीक सेशन, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस हैं। ये हमारी ऑन कैंपस भी हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस हैं। कैंपस हमारा बिल्कुल कायद आजम लाइब्रेरी के नज़दीक है, पटियाला के एरिया, पटियाला के साथ शमस्कारी मार्केट है, वहाँ पे अल मदीना फोटोकॉपी उसके सामने बिल्कुल हमारा सेंटर है। वहाँ पे आप क्लासेस फिजिकल भी ले सकते हैं, ऑन कैंपस ऑनलाइन दोनों है। मॉर्निंग हमारी क्लास 11:32 1 PM है, जबकि इवनिंग की क्लास हमारी 4 PM to 5:30 है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 0303-57-25295। ठीक है बेटा जी, थैंक यू। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 93 नंबर। 93 नंबर जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है, जिसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोगों ने रिलेशन देखने होते हैं। क्वेश्चन कहता है सेवरल नंबर ऑफ काउज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स का ना ये आता है कि सर आप क्वेश्चन लिखा करें। सेवरल नंबर ऑफ काउज ऑफ अ फॉर्म कंज्यूम द फूड इन 150 डेज। अच्छा, अब क्वेश्चन ये, इफ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ काउज, इफ वी रिड्यूस द
number of cows, then the food loss, then the food lost for 10 more days, for 10 more days. अच्छा अब क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी काउज वर देयर ऑन द फार्म, हाउ मैनी काउज वर देयर ऑन द फार्म इन द बिगनिंग। अच्छा ये जो क्वेश्चन, जैसे आपको पहले मैंने बताया, ये एक्चुअल में प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है, जिसमें लेबर टाइम डेज प्रोडक्शन इसकी बात होती है। अब यहाँ पे काउज एज अ लेबर, यहाँ पे हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, 150 डेज टाइम आएगा, तो हमें पता है लेबर और टाइम का रिलेशन हमेशा हमेशा इन्वर्स होता है। ये आप लोग मेरे वीडियो भी देख सकते हैं, प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ा भी है यूट्यूब पे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो हमारे पास, हमने फाइंड आउट करनी है काउस काउस और डेज। अब इनका देखिएगा रिलेशन हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कहता है सेवरल नंबर ऑफ काउस, हमें नहीं पता कितनी काउस हैं, वो मैंने एक्स रख ली, मुझे नहीं पता कितनी है। ऑफ अ फार्म कंज्यूम द फूड इन 150 डेज, वो 150 डेज में कंज्यूम करते हैं खाना। फिर कहते हैं इफ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ काउस देन द फूड वुड हैव लॉस्ट फॉर 10 मोर डेज। अगर वो यही कहता है कि अगर हम लोग, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिसिंग है, इफ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ काउज बाई 10, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है बाई 10, कहता है अगर हम लोग काउ की मकदार अगर 10 हम कम कर देना, तो यही खाना 10 दिन और चल जाता है। यानी कि अगर पहले एक्स था तो अब एक्स माइनस 10 कर दिया, 10 मैंने काउज उसमें से कम कर दी, वो कहता है यही खाना 10 दिन और चल जाता है, पहले 150 था तो अब ये 160 डेज चल जाएगा। ठीक है, अब वो ये कहता है हाउ मेनी काउज वर देयर ऑन द फार्म। तो हमें ये पता है जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है, इसके एरो हमेशा हम ऊपर की तरफ फिक्स रखते हैं। अब काउज और डेज का रिलेशन क्या होगा, लेबर और टाइम हमेशा इनवर्स, इसका एरो नीचे चले जाएगा। इसका पूरा कंसेप्ट समझने के लिए ना आप मेरे प्रोपोर्शन की वीडियो देख सकते हैं, यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ, इसको हम ऊपर रखेंगे, 150 अपॉन 160 इज इक्वल टू, यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ, एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स, 0 0 कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 उधर जाके एक्स माइनस 10 से हो गया और 15 उधर जाके एक्स से रब हो गया, 16x माइनस 160 इज इक्वल टू 15x, 15x को इधर ले आए, 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 160 उधर जाके प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 160 आपका राइट आंसर, ये आपका 160 काउज राइट आंसर रहेगा। ये आपका अगर आप पेपर पे आप देखोगे ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये मेरे सामने पेपर है, मैं उधर से देख देख के क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। 94 ये टाइम डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 99 meters टेक्स 11 seconds टू पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन ऑफ लेंथ 231 meters, वट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अच्छा सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये जो टाइम डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम हमारा जो चैप्टर है ना, ये भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इवन दैट जो भी क्वेश्चन करेंगे नेट शॉर्ट दिस, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होता है एस इज इक्वल टू वी टी, एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, टी स्टैंड फॉर टाइम, वेलोसिटी मतलब स्पीड।
लेकिन अब यहाँ पे दो डिस्टेंस यूज हो रहे हैं, एक तो ट्रेन की लेंथ है और एक उसके साथ फिर ब्रिज की भी लेंथ इसकी आ रही है, स्टेशन की भी लेंथ आ रही है। तो जब हमारे पास दो डिस्टेंस आ जाए तो हम इसको अमेंड कर देते हैं, S1 + S2 इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो S1 आ गया 99, S2 आ गया 231 इज इक्वल टू वी हमने मालूम करना है, जबकि टाइम कितना है 11 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये इसको हम लोग प्लस जब करते हैं 231 और 99 को, 10 1 9 3 12 और 1 13 1, तो ये आ गया 330। 330 इज इक्वल टू वी इंटू 11। अब 11 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 330 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू वी, तो ये वी आ गया 11 3 हजार, तो ये वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड हो तो ये हमारा राइट आंसर बनता है, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 30 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 पे हम लोग डिवाइड करेंगे। जब हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हम वैल्यू को 1000/3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 3600/1000। ये पॉइंट आपने दो याद रखने हैं। अब ये देखें, 2 0 कैंसिल, 1 0 इससे भी कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10 108, तो ये आप लोगों का ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, 108 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई, ओके क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इधर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, सॉरी 95 में कहता है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी शेयर 112 डॉलर, $112 वो शेयर करते हैं। अच्छा, वो कहता है बी रिसीव्स $12 लेस देन ए, बी को ए से $12 कम मिलते हैं, एंड सी गेट ट्वाइस एज मच, ट्वाइस एज मच एज बी। ठीक है, अच्छा वो कहता है हाउ मच डज सी गेट, हाउ मच डज सी गेट। अब सबसे पहले तो ये है कि ए बी और सी तीनों को $112 मिलते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को देखा जाए तो ये 112 के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि बी को ए से $12 कम मिलते हैं, यानी कि बी इज इक्वल टू ए -12। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन ये कहता है सी गेट ट्वाइस एज मच एज बी, यानी कि सी इज इक्वल टू 2b। अब वो कहता है मुझे सी की वैल्यू बताओ। अब हमारी कोशिश ये होगी कि ए और बी को भी सी के फॉर्म में हम बना लें, ताकि हम उनकी वैल्यूज को ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 112 इक्वेशन 1 में जब हम पुट करें तो हमें सी का आंसर मिले। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखे ना, यहां से बी की वैल्यू क्या आती है, बी की वैल्यू आती है सी अपॉन 2, यानी कि सी को तो मैं सी पुट करूंगा, बी की जगह भी मैं सी अपॉन 2 पुट कर सकता हूँ। अब ये देखे ना, सारी इक्वेशन सी के फॉर्म में बनती जा रही है। अब ए को मैं कैसे सी के फॉर्म में बना सकता हूँ, अब बी किसके इक्वल है, सी अपॉन 2 के, तो ये बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूं, यानी सी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए -12, तो ये ए की वैल्यू मेरी सी के फॉर्म में आ जाएगी। कैसे, सी इज इक्वल टू 2, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सी इज इक्वल टू 2a - 24, 24 को इधर ले आए, सी प्लस 24 इज इक्वल टू 2a, तो ये इधर डिवाइड होगा, a इज इक्वल टू सी प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2। ये इस तरह, ये a की वैल्यू जो है वो भी आप यहाँ पे आप पुट कर देंगे, सी प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 112। समझ आ गई,
ए की वैल्यू भी सी की फॉर्म में, बी की वैल्यू भी सी की फॉर्म में, सी ऑलरेडी सी में मौजूद है। अब ये मुझे सारे का सारा आंसर सी की फॉर्म में मिलेगा। इसका एलसीएम 2 आ गया, ये सी प्लस 24 प्लस सी प्लस 2c इज इक्वल टू 112। इनको प्लस करें, ये आ गया 4c प्लस 24, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये उधर जाके, ठीक है। तो ये आ गया 4c इज इक्वल टू 224 माइनस 24, 24 उधर जाके माइनस हो गया। 4c इज इक्वल टू 200, c इज इक्वल टू 200 अपॉन 4, c इज इक्वल टू 50। मुझे उम्मीद है सबको सही क्लियरली समझ आया होगा, ठीक है। यानी कि हमने उन दोनों की वैल्यूज को सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने उसको इक्वेशन 1 में पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर दिया। चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ रहे होंगे। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड एन इंटीजर, फाइंड एन इंटीजर सच दैट 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू टाइम्स द स्केयर ऑफ द नंबर, स्केयर ऑफ द नंबर्स गिव 15। अच्छा, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसमें आप लोग कोशिश करें बारी बारी आप उसकी ना ऑप्शंस को चेक कर लिया करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसके ऑप्शन में लिखता हूँ, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है -3, सी ऑप्शन है 5/3 -5/3, डी ऑप्शन है नन। इसकी नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन देखें। अगर ए ऑप्शन में चेक करता हूँ 3, फाइंड एन इंटीजर सच दैट 4 टाइम्स द नंबर, जैसे 3 है, अगर 3 का मैं 4 टाइम्स नंबर करूँ, 4 × 3 ये 12 आ गया। 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किस में से, 2 टाइम्स द स्केयर ऑफ द नंबर। इस नंबर का स्केयर करें, 3 का स्केयर 9 और 9 का 2 टाइम यानी 18, 18 में से अगर मैं 12 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 6 आता है, हालांकि 15 आना चाहिए। समझ आ गई? यानी कि पहला नंबर मैंने चेक किया था 3, 3 तो इस पे पूरा नहीं उतरता। अगर मैं -3 को अगर चेक करूं, 4 × -3 ये बनता है -12। अब -3 का पहले जरा स्केयर करें, -3 का स्केयर कितना आया 9, और 9 का 2 टाइम, इसका इसका भी 18 बनेगा। 18 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -12 को, तो ये 18 प्लस 12 ये बनता है 30, माइनस ये आपका ये 15 नहीं बनता, दैट मीन्स ये वाली ऑप्शन भी आपके रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है -5/3, तो 4 × -5/3 ये बनता है -20/3। अब आप इसका जरा स्केयर करें, स्केयर ऑफ द नंबर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 25/9, ठीक है, 25/9। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -20/3 को, ठीक है। तो ये इसका आ गया 9, 25 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 60, ये कितना आपके पास आ गया, ये आ गया 85/9, 85/9 इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 15 नहीं बनता, दैट मीन्स इसका नन ऑफ दिस आपका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें कहे कि इस नंबर का 2 टाइम, इस नंबर का 3 टाइम, इस नंबर का स्केयर ये वो, उसमें कोशिश करें आप ऑप्शंस को पकड़ा करें, आपका जल्दी आपका आंसर आएगा, ना कि आप इसके आप इक्वेशन आप बनाएं। इक्वेशन अगर बनाएंगे तो उसमें भी हम लोग फिर फंस जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसकी इक्वेशन आप क्या बन सकती है कि एक नंबर का स्केयर फिर उसका ट्वाइस, यानी 2x स्केयर। एक नंबर का पहले मैंने स्केयर किया, फिर उसको ट्वाइस किया 2x स्केयर, उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया किसको, 4 टाइम्स द नंबर 4x इज इक्वल टू 15। अब ये वाली इक्वेशन जो बन गई है ना, अब इस इक्वेशन को पहले हम 2x² - 4x - 15 = 0, इस तरह जब हम लोग जब सॉल्व करेंगे उसमें हमारा एक तो टाइम भी हमारा लग जाएगा,
और फिर उसके सोल्यूशन में हमारी मिस्टेक हो सकती है। कोशिश करें आप उसको उसी तरह, अगर आप लोग ऑप्शंस को चेक कर ले ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 आपका एक एज प्रॉब्लम है, इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरह का आपका क्वेश्चन 2021 और 2022 के पेपर में भी आया हुआ है। इसमें कहता है जैद इज सिक्स टाइम्स एज ओल्ड, जैद इज सिक्स टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। अच्छा, उसके बाद कहता है डॉटर, डॉटर का नाम कहता है जोया है। फिर कहता है हाउ ओल्ड वॉज जैद, हाउ ओल्ड वॉज जैद व्हेन जोया वॉज बॉर्न, व्हेन जोया वॉज बॉर्न इफ द सम ऑफ देयर एजेस, इफ द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 49 इन 7 years। सेम टू सेम क्वेश्चन 2021 के पेपर आप ओपन करें, आपको वहां पे मिलेगा। वहां पे कहता है मैन इज थ्री टाइम एज ओल्ड एज ए सन इन 10 years टाइम। वहां पे 10 years की बात करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो सारे पास पेपर जबानी याद है। कहते हैं 10 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76। हाउ ओल्ड वॉज द मैन वेन ए सन वॉज बॉर्न, यहाँ पे भी ये कहता है हाउ ओल्ड वॉज द जैद वेन जोया वॉज बॉर्न, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कहता है जैन अपनी बेटी से 6 गुना है। अगर उसकी बेटी को मैं लेट करूं ना, लेट जोया एज इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स लेट करूं तो जैद की फिर एज क्या आएगी, जैद की एज आएगी 6x, क्योंकि उसके पास 6 टाइम्स है। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कहता है इफ द सम ऑफ द एजेस विल बी 49 इन 7 years, जोया में भी अगर मैं 7 साल ऐड करूं, उसके फादर में भी अगर मैं 7 साल ऐड करूं, 7 साल के बाद इन दोनों की एज का सम विल बी इक्वल टू 49। दैट इज द राइट इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। यहां से आप एक्स आप निकाल लो, एक्स और सिक्स कितना हो गया 7x, 7 और 7 14 इज इक्वल टू 49। 14 को उधर जाके माइनस कर दें, 49 माइनस 14, 7x इज इक्वल टू 35, और x इज इक्वल टू 35/7, x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 मीन्स जोया की एज आ गई 5 ईयर, क्योंकि जोया को हमने एक्स लेट किया था। तो फिर जायद उसका फादर कितना आ गया, 6x, 6x मीन्स 6 × 5 30 years। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं है, कहता है हाउ ओल्ड वॉज जैद वेन जोया वॉज बॉर्न, जोया जब पैदा हुई तब जैद कितना था, तो जैद की एज तब थी, जोया को माइनस कर दो 30 - 5, तब वो 25 साल का था। आपकी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, ठीक है जी, क्लियर होप सो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया वो जो मैं पहले कह रहा था कि नंबर्स आपने लेट जो करने हो तो आप नंबर्स आप ऑप्शन से पिक किया करें। कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स सच दैट the sum of their ages, sorry, the sum of their ages nahi, the sum of their squares, the sum of their squares is 7 less than 120, ठीक है। अब इसमें आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत है, सिंपल सिंपल आप इसकी ऑप्शन को चेक करें। ए ऑप्शन कहता है 7 8, बी कहता है 8 9, सी कहता है 7 9, और डी कहता है नन। 7 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, या 7 8 हो सकता है, या 8 9 हो सकता है, या नन ऑफ दीज है। अगर मैं 7 8 को अगर मैं चेक करूं तो सबसे पहले क्या कहता है,
फाइंड टू कैन पॉजिटिव नंबर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, सम ऑफ देयर स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर 49, इसका स्क्वेयर आ गया 64, इन दोनों को सम करें, ये कितना बनता है, 9 और 4 13, 1, 4 और 6 10 और 1 11 113, 113 इज 7 लेस देन 120, ठीक है, ये दोनों 120 से लेस हैं, तो आप ये देखो इनका सम जो 113 है 120 से 7 कम है ना, समझ आ गई, 8 और 9 को भी आप लोग चेक कर लें, 8 का 64 81, ये कितना आ गया 5, 8 और 6 14, इसमें से 7 कम करें या इसमें 7 जमा करें 120 तो नहीं बनता ना, दैट इज द राइट ऑप्शन 7 8, ठीक है, बिल्कुल आपको स्मार्ट स्मार्ट आपको सोल्यूशन मैं बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे पास जितने भी सेशन आते हैं ना उनमें सी एस एस एबिलिटी 1 पेपर के सारे स्टूडेंट मिक्स होते हैं, सी एस एस एबिलिटी वालों को लेंथी वे समझाता हूँ, जबकि जो 1 पेपर है एमपीटी है शॉर्टकट उनको तरीके में सिखाता हूँ, क्योंकि उसमें मेन चीज आप लोगों ने अपना टाइम आपने सेव करना होता है। क्वेश्चन नंबर 997 को देखते हैं, 97 ये अलजबरा की इक्वेशन बनते हैं, परसेंटेज की इक्वेशन बनती है, जैसे परसेंटेज है, अ लाइट शॉप सेल्स लाइट्स, दे सोल्ड 25%, दे सोल्ड 25% ऑफ द लाइट्स एंड स्टिल हैड 1500 लाइट्स लेफ्ट, 1500 भी लाइटें पड़ी हैं, हाउ मेनी लाइट्स वर देयर इन द बिगिनिंग, हाउ मेनी लाइट्स वर देयर इन द बिगिनिंग। अच्छा जी, इसकी इक्वेशन क्या बनती है, फिर आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ लाइट्स जो है वो एक्स है, अब इसकी इक्वेशन क्या बनती है, एक्स में से कितनी उन्होंने सेल कर दिया 25% सोल कर दिए, तो एक्स माइनस उसी एक्स का 25% आप उसमें से माइनस कर दीजिए, यानी वो सेल हो गई है, तो अब उनके पास बची कितनी, 1500 लाइट्स इज इक्वल टू 1500, ये आपकी एक इक्वेशन बनती है, एक्स में से उसी एक्स का 25% मैंने निकाल दिया माइनस कर दिया, तो ये 1500 की एक तो इक्वेशन ये बन गए। दूसरी इक्वेशन इसकी ये बनती है, अगर आपने 25% अगर सेल कर दिया दैट मीन्स पीछे 75% बच गया, तो 75% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1500, ये भी आपकी एक शॉर्ट इक्वेशन बनती है, ये आपका दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका फिर क्या है, आप बारी बारी आप उसके ऑप्शंस को चेक कर लें, लाइक फॉर एग्जांपल 75% ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे अगर ए ऑप्शन में पुट करूँ ना 75% ऑफ 2500 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 75% ऑफ 2250, सी ऑप्शन 75% ऑफ 2000, आप इसको बारी बारी चेक करके भी आप अपना आंसर आप निकाल सकते हैं, तो आप इसमें से कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व अप करें, फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं सॉल्व कर दूँ 100 इसका एलसीएम 100x माइनस 25x, ये आ गया 75x ओवर 100 इज इक्वल टू 1500, ये 25 3 25 4, 3/4 को उधर ले जाएं, उधर जाके ये हो जाएगा 4/3, तो 3 500 500 4 2000, ये 2000 आपका राइट ऑन। अब ऑप्शन से देखें 75% ऑफ, मैं डायरेक्ट मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूँ 2000, 75% ऑफ 2000, देखें 25 3 25 4 और 4 500, ये देखें 3 जरा 500 कितना बनता है, ये 1500 की इक्वली आता है जो उसका रिमेनिंग बच गया था, ठीक है, यानी कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज का कंसेप्ट था, परसेंटेज की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी वहां पे मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई वहां पे ना। क्वेश्चन नंबर 10 ये यानी कि हमारे पास 100 100 जो क्वेश्चन आ रहा है, ये कहता है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहता है गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो बताएं एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है,
इसको आप लोग सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस एक्स, इसके ना फैक्टर्स ये बनते हैं, माइनस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। फैक्टर्स हम इस तरह बनाते हैं कि दरमियानी वैल्यू को हम तोड़ते हैं, इनको अगर प्लस माइनस करें तो ये बनना चाहिए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए टेन एक्स स्क्वायर। आप इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें ना तो ये हमारे पास टेन एक्स स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, हम इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स माइनस टेन, माइनस एक्स प्लस टेन में से माइनस वन कॉमन आ गया एक्स माइनस टेन। हमें कैसे पता चलता है कि फैक्टराइजेशन हमारी सही हुई है, ये दोनों पेयर सेम होने चाहिए, इन दोनों में से एक कॉमन ले ले x माइनस टेन और ये दूसरा x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टेन को भी इक्वल टू जीरो रख दें, x माइनस वन को भी इक्वल टू जीरो रख दें, x इज इक्वल टू टेन और x इज इक्वल टू वन, यानी कि x इज इक्वल टू टेन और वन, ठीक है। इसके अगर ऑप्शन अगर देखे जाए ना, ऑप्शन में से इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर बनता है, और मुझे शायद लगता है शायद इसके उधर आंसर की में शायद इसका आंसर कोई और लिखा हुआ था, तो बहरहाल मेरे लिहाज से ये नन ऑफ दीज है, शायद इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। तो बेटा जी मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये 100 तक क्वेश्चन समझ आए होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह फिर मैं टाइम निकाल के, असल में बेटा बड़ी माजरत, बहुत माजरत बेटा, मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे ना बड़ा मसरूफ़ रखा हुआ है, सुबह से लेकर बेटा शाम तक ना मैं काफ़ी मैं मसरूफ़ रहता हूँ, यूट्यूब को मैं बहुत कम में टाइम में देता हूँ। अभी भी देख लें, ये हमारा पेपर 18-19 तारीख तक का था, आज 29 तारीख हो गई है, आज जाके बेटा इनको मैं को अपलोड करना शुरू किया इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह ये पूरे 60 क्वेश्चन आपको अपलोड करके दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। लेकिन बेटा अगर बीच में कभी लेट हो जाए ना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी काइंडली इनको जल्दी आप अपलोड करें, बेटा बीच में ना टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको 60 के 60 क्वेश्चन आप लोगों को अपलोड करके दूँ। थैंक यू आप सब लोगों का बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, आप लोग बेटा इतनी वीडियोस को लाइक करते हैं, जजाकल्ला खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।